हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस टू। सॉल्यूशंस फर्स्ट हम कब का कंप्लीट कर चुके हैं, तो सॉल्यूशंस टू का ये अगर हम कंटिन्यूड पार्ट बोलें तो पार्ट एट, और अगर सॉल्यूशंस टू का पार्ट बोलें तो पार्ट टू। ओके, सो इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सिक्वेंस वाइज ऑलरेडी सारे वीडियोज हैं। ओके तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है, देन हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस पार्ट टू का लास्ट पार्ट है एंड ओवरऑल पूरे सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट है ये। ओके, तो आज हमें पढ़ना है इमिसिबल लिक्विड पेयर्स। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड पेयर्स मतलब ये है कि ऐसे लिक्विड पेयर्स जो कि आपस में बिल्कुल भी मिसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट दोनों लिक्विड्स का आपस में मिक्स हो ही जाता है ना। सो बट इतना कम होता है वो अमाउंट कि हम उनको इनसॉल्युबल या फिर इमिसिबल लिक्विड पेयर्स कहते हैं। मिक्स होने वाला जो अमाउंट है वो इतना कम होता है कि हम उसको इनसॉल्युबल या इमिसिबल लिक्विड पेयर्स कहते हैं। सो राउंड्स लॉ के अकॉर्डिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज लोअर्ड ऑन एडिशन ऑफ अनदर लिक्विड। अगर ये प्योर लिक्विड से वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा। बट अगर आपने इसमें कुछ ऐड कर दिया, इथेनॉल ऐड कर दिया या कुछ ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? कोई सल्यूट ऐड कर दिया तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इससे इंटरेक्ट करने लगेंगे, और अब वो फ्री नहीं है जो ऑलरेडी प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब उसमें कुछ और भी आ गया है। तो अब वो जितना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसमें हिंडरेंस आएगी मिक्स होने की वजह से, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। अदरवाइज वेपर प्रेशर हर एक कंपोनेंट का क्या होता है? अनइफेक्टेड रहता है जब तक आप कुछ ऐड नहीं करते हो, है ना। एंड ईच लिक्विड पेयर्स एग्जर्ट इट्स ओन वेपर प्रेशर जो कि इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। ये प्योर ए है, ये प्योर बी है, ये अपना अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जब तक आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हो। ये हमने सॉल्यूशंस वन में सब पढ़ चुके हैं। सो दस व्हेन कंप्लीटली दैट इज टू कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स्ड, तो इनका जो टोटल वेपर प्रेशर होता है ना, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है अबव द मिक्सचर, द टोटल वेपर प्रेशर अबव द मिक्सचर विल बी द सम ऑफ प्योर लिक्विड्स। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? प्योर लिक्विड्स के बराबर। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो डैट कि सिस्टम कब बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि वो टेम्परेचर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर आ जाए, है ना। वेपर प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कोई चीज़ बॉयल होने लगती है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो है ये, है ना। तो अगर इसका हम बोलें, अगर अपन बोलते हैं ये कि द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी विल स्टार्ट बॉइलिंग एट ए टेम्परेचर टी, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल वेपर प्रेशर है, तो अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो ये इमिसिबल लिक्विड पेयर्स जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये तो टोटल प्रेशर है। सो ये अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम बाउंड हैं, वी आर बाउंड टू रीच एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जल्दी से जल्दी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचना है एज कंपेयर टू जब ये प्योर प्रेजेंट है। प्योर मतलब सिर्फ अगर ए है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये अपने अपने टाइम पे अपने पॉइंट पे अपने हिसाब से पहुंच सकता है। बट अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों को जल्दी से जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंचना पड़ेगा, है ना। सो हम ये कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर होता है पहुंचने का दोनों लिक्विड पेयर्स का, वो कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर लिक्विड्स। ठीक है, सो वी से दैट दिस टेम्परेचर
विल बी लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ए एंड द बी. ठीक है, नाउ जो मिक्स्ड वेपर्स हैं ए और बी लिक्विड्स की, दस ओब्टेन एंड कंडेंस्ड विल हैव अ कंपोजिशन डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ए और बी एट टेम्परेचर टी. तो जो वेपर्स आ रहे हैं उनका कॉम्पोजिशन हमारे किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर पे ए और बी के. ठीक है, अब हम इक्वेशन पे आते हैं. सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कॉम्पोनेंट जो कि वेपर फेज में प्रेजेंट है ना, हम बोलते हैं ना राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये राउल्स लॉ है. तो कॉम्पोजिशन ऑफ ईच लिक्विड है ना, या कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉम्पोजिशन, मतलब मोल फ्रैक्शन है ना, प्रेजेंट इन वॉट वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर. तो मोल रेशियो अगर एन ए का और एन बी का है ना, कंडेंसेट, कंडेंसेट मतलब जो कंडेंसेट प्रेजेंट होता है ना उसमें जो वेपर्स आ रही हैं वो कंडेंस होके लिक्विड के फॉर्म में आ रही है, तो उसको हम कंडेंसेट कहते हैं. ठीक है, तो एन ए अपॉन एन बी इट विल बी प्रपोर्शन टू वॉट? वेपर प्रेशर. ठीक है, तो हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, पी ए नॉट अपॉन पी बी. अब आपको पता है मोल्स क्या होते हैं? मोल्स क्या होते हैं? वेट अपॉन मॉलिकुलर मास. तो एन ए के मोल्स हो जाएंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, एन बी के हो जाएंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर मास. तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इट विल बी इक्वल्स टू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी है ना, एन ए अपॉन एन बी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा. और ये इसके बराबर है पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट के. तो ये जो आपको इक्वेशन मिली ना डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की, अगर आप वैल्यू निकालोगे तो एन पी बी और एम ए और पी बी और एम बी, हाँ और पी ए और एम ए. तो ये जो आपको इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन का यूज करके आप डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करते हैं और पे न्यूमेरिकल भी आते हैं. ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की, जो कि क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं. सो प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं एक्चुअली, कि जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं सिंस दे बॉयल एट टेम्परेचर लोअर है ना देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पोनेंट, तो इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में. तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो कि प्यूरीफाई करती है ऑर्गेनिक लिक्विड्स को. ठीक है, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है ना, एंड ये इमिसिबल होते हैं वाटर के साथ. तो स्टीम डिस्टिलेशन में जो इम्प्योर कंपाउंड होता है ना, उसका प्यूरिफिकेशन होता है. तो इम्प्योर कंपाउंड को कैसे होना चाहिए? वो वाटर में मिसिबल नहीं होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, डिकम्पोज नहीं होना चाहिए है ना स्टीम के टेम्परेचर पे. फिर इसका जो वेपर प्रेशर है वो हाई होना चाहिए और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज इसमें होनी चाहिए. सो जैसे कि आप अगर क्लोरोबेंजीन को डिस्टिल करते हो है ना, तो क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 405 केल्विन. अगर आप मिक्सचर लेते हो वाटर और क्लोरोबेंजीन का जो कि डिस्टिल होता है इससे कम टेम्परेचर पे, क्योंकि हम इमिसिबल लिक्विड स्पेयर पढ़ रहे हैं, 363 केल्विन पे कम टेम्परेचर पे डिस्टिल हो रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? इतना. सो क्या होता है कि आप, ये इसका एपरेटस है. अब इस एपरेटस को अगर आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ए है ना, ये डी है जो इनलेट है वाटर इनलेट, ये है जो वाटर आउटलेट है. ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कंडेंसेट या डिस्टिलेट है
है ना। सो वाटर कंडेंसर का इनलेट आउटलेट आउटलेट ये है। तो और यहाँ पे आपने जो ए है इसमें आप लोगे इम्प्योर लिक्विड, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब क्योंकि डिजोल्व है लिक्विड में, तो इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने इसमें लिया है ना, एंड इसमें थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर दिया। नाउ इस फ्लास्क को आप स्लांटिंग पोजीशन पे रख रहे हो टेढ़ा, वो इसलिए रख रहे हो कि इससे सिंस ये बॉयल हो रहा है यहाँ पर, तो इससे जो वाटर बॉयल होकर स्टीम यहाँ आएगी है ना, तो यहाँ से ये स्प्लैश करके कंडेंसर में ना जाए, इसलिए इसको हम स्लांटिंग पोजीशन पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? सी द फ्लास्क मस्ट बी कैप्ट इन स्लांटिंग पोजिशन टू प्रिवेंट द इम्प्योर लिक्विड। इस ए ये जो ए लिक्विड है इसमें हमने इम्प्योर कंपाउंड लिया है, तो इसके स्प्लैश ना हो कंडेंसर में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, द फ्लास्क ए, ये जो ए फ्लास्क है इसको हम हीट करेंगे जेंटली। नाउ ये जो कंटेनर बी है ना, इससे स्टीम आएगी इसमें ए में है ना, ए के कंटेंट्स इसमें बॉयल होंगे, फिर ये यहाँ से वेपराइज होंगे, फिर कंडेंसर इसको ठंडा करेगा और यहाँ पर ये कंडेंसेट कलेक्ट होता जाएगा। सो वेपर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स विद द स्की स्टीम एंड दे एस्केप इनटू द वाटर कंडेंसर। ये सी, ये क्या है, कंडेंसर है। ओके नाउ कंडेंसर जो आपको मिल रहा है, कंडेंसेट मतलब द कंडेंसेट यू आर ऑब्टेनिंग हियर है ना इन द फ्लास्क एफ, एफ फ्लास्क है, इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। अब यहाँ पे वाटर भी है क्योंकि यहाँ पे जो हमने इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था इसमें वाटर हमने थोड़ा सा डाला था, तो अब यहाँ पे जो कंडेंसेट आ रहा है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आ रहा है लेकिन साथ में कुछ वाटर भी है, तो वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब आपको सेपरेट करना है। तो अब आप सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करोगे। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, ऐसी नॉब लगी होती है, यहाँ पे दो लेयर्स आपको दिखेंगी, एक लेयर को आप निकाल लो और एक लेयर को यहाँ रहने दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट स्टीम डिस्टिलेशन का, इतना सा आपको एक्सप्लेन करना है, एपरेटस जरूर ड्रॉ करना है और इमिसिबल लिक्विड पे इसको सेपरेट करने यूज होता है ये जरूर बताना है, ठीक है। अब देखते हैं नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये बताता है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पहले तो एग्जांपल हम लेते हैं आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, इसमें दो लिक्विड्स जो कि इमिसिबल हैं जैसे वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिक्विड मिक्सचर में अगर हम आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर लेयर में और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लेयर में, वो हमें नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है। सो वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रैक्टिकली जो है इमिसिबल लिक्विड्स हैं है ना, बट आयोडीन जो है इट डिजॉल्व्स दोनों में, दोनों में डिजॉल्व होता है, ये वाटर में भी डिजॉल्व हो जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी जो आयोडीन है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। नाउ आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लेयर्स, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। मान लेते हैं हम कि कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर इज इवन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडीन का कंसेंट्रेशन C2, तो C1 अपॉन C2 इज प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट है ना। तो आपने माना कि ये प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, और कांस्टेंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। ओके नाउ अब अगर आप और आयोडीन डाल रहे हो है ना, अगर आप और आयोडीन ऐड करते जा रहे हो सिस्टम में, सो आयोडीन फिर से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसमें, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में। अब अपन मानते हैं कि आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है दोनों लेयर में वो क्या है, ज्यादा है कि पहले कम था, नेचुरली बाद में हम और ऐड करें तो ज्यादा होगा। तो अब हमने मान लिया C1 डैश है आयोडीन का कंसेंट्रेशन और C2 डैश है आयोडीन का कंसेंट्रेशन, ठीक है।
सी वन डैश वाटर में है, सी टू डैश किस में, सी सी एल फोर में है। तो हमने क्या माना, सी वन डैश जो है इट इज ग्रेटर देन सी वन, एंड ऑफ कोर्स सी टू डैश इज ग्रेटर देन सी टू। तो अपन अगर अब रेशो लें तो सी वन अपॉन सी टू और सी वन डैश अपॉन सी टू डैश इज इक्वल्स टू अगेन अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, के। सो इट इज एविडेंट, क्या एविडेंट है हर केस में, कि आयोडीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों लेयर्स में इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स कंसेंट्रेशन इन टू लेयर्स इज अ कॉन्स्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर, है ना। अब नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि जो रेशियो है आयोडीन का सी वन अपॉन सी टू एंड सी वन डैश अपॉन सी टू डैश इज कॉन्स्टेंट ओनली, कब होगा कॉन्स्टेंट ये, वेन ओनली कॉन्स्टेंट वेन द सल्यूट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहेगा तभी आपका जो रेशियो है आयोडीन का दोनों लेयर्स में वो कॉन्स्टेंट होगा, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब है कि इनका मॉलिक्यूलर मास जो है सॉल्यूट का मतलब आयोडीन का वो दोनों लेयर्स में सेम होना चाहिए। सो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये उसका स्टेटमेंट है, एट अ फिक्स टेम्परेचर अ सब्सटेंस एक्स, एक्स मतलब यहाँ आयोडीन अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सो सब्सटेंस एक्स डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ दोनों लेयर्स में, ठीक है, किस वे में, इन सच अ वे दैट द रेशियो एक्स का रेशियो दोनों सॉल्वेंट में कॉन्स्टेंट रहे। इसका मतलब ये है प्रोवाइडेड है कि सॉल्यूट एक्स जो है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, इसी को हम कहते हैं नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैथमेटिकली के इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इन सॉल्वेंट ए अपॉन सॉल्वेंट बी। के को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट और द पार्टीशन कोफिशियंट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये आपको दिया हुआ है टेबल, इसमें आप देख सकते हो आयोडीन का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट वाटर और सी4 में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट के है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अब ये एक और एक्टिविटी कॉन्स्टेंट जो टर्म है, अगर हम ए वन अपॉन ए टू लेते हैं तो भी वही है सी वन अपॉन सी टू इक्वल्स टू के ही आता है। तो नर्स ने फर्स्ट गिव अटेंशन टू द फैक्ट दैट द अबव स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन कि सॉल्यूट अंडरगोज नो चेंज, या तो डिसोसिएशन ना होगा और ना ही एसोसिएशन होगा तब ये जो लॉ है वो वैलिड है। अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड नहीं होता है। ओके सो इट इज एप्लीकेबल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज कॉमन टू बोथ द लेयर। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसलिए किसलिए एप्लीकेबल है, जैसे आयोडीन है तो उसके कंसेंट्रेशन का दोनों लेयर्स में वो कॉमन होना चाहिए, वाटर लेयर में भी और सी4 में भी आयोडीन ही होना चाहिए, कोई और आयोडीन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। सो अगर डिसोसिएशन होता है तो के का फॉर्मूला C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा हो जाता है, और एसोसिएशन होता है तो के का फॉर्मूला जो है वो हो जाता है C1 अपॉन C2 की पावर 1 बाय n, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं फटाफट। तो एप्लीकेशन जो है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का वो ये है, तीन एप्लीकेशंस हैं। तो कभी कभी हम और भी नर्स डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एनालिसिस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब हम इसके थ्रू नर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंपोनेंट्स का वो स्टडी कर सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड का, बेंजोइक एसिड का, वाटर और बेंजीन में। जब हम नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है एसिटिक एसिड जो है और जो बेंजोइक एसिड है ना वो डाइमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेंजीन में। फिर सेकेंड है कि इफ अ सॉल्यूट डिसोसिएट इन वन सॉल्वेंट देन नोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तीन चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसका ही एप्लीकेशन एक आता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, है ना, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बहुत छोटा सा ही है टॉपिक, इसको मैं अभी ही बता देती हूँ आप लोगों को कि
जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है बेसिकली इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। सो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम कभी लैब में भी इसके एपरेटस होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के, और इंडस्ट्रियल स्केल में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब ये होता है कि कम लागत में हमारा ज़्यादा फायदा हो, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्वस सोल्यूशन से या सस्पेंशन से। कैसे? तीन तरीकों से। या तो आप बाहर से कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए। दूसरा, आप शेक कर रहे हो, है ना, और सेपरेट कर रहे हो दोनों लेयर्स को। तीसरा कि डिस्टिलिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू रिकवर द सेपरेटेड कंपाउंड्स। फिर आप कर रहे हो डिस्टिलिंग, जिससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चला जा रहा है और आपके सेपरेटेड कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। सो इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, आप क्या यूज करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट का यूज करते हो, जो हमने ऊपर निकाला था C1 upon C2 इक्वल्स टू के। इस चीज का यूज भी हम यहाँ करते हैं, ठीक है। सो वी मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होता है इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये जो रेशियो है, इट इज वेरी लार्ज, और ये किसके फेवर में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के फेवर में होता है जो आप बाहर से ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो इट कैन बी शोन दैट विथ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड जो बाहर से ऐड कर रहे हो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड इज मोर अगर गिवन वॉल्यूम जो आप बाहर से डाल रहे हो एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड का इज यूज इन स्मॉलर टर्न्स या लॉट्स, एंड द देन इफ द होल इज यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा तब होगी अगर आप जो बाहर से एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड डाल रहे हो उसको आप स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट में डाल रहे हो और स्टेप स्टेप्स में डाल रहे हो। पहले थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला, और फिर एक्सट्रैक्ट करते गए, एज कंपेयर टू आपने पूरा एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड एक बार में डाल दिया। क्या होता है कि इसकी प्रोफिशिएंसी ज्यादा होती है और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हमें ज्यादा एक्सट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एक बार में पूरा डालने से। सो हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके लिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, और हम ये कंसिडर करते हैं कि जो एक्वस सल्यूशन का वॉल्यूम है वो वी है, और मास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्योंकि डिजोल्व हो रहा है वो डब्ल्यू है, और जो वॉल्यूम है ऑर्गेनिक लिक्विड का जो बाहर से आप ऐड कर रहे हो, एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बच रहा है, क्या बच रहा है, अनएक्सट्रैक्टेड, वो है W1। ये कैपिटल वी था, ये स्मॉल वी है, एंड W1 क्या है, ये मास है जो कि जो एक्सट्रैक्ट हो गया वो तो एक्सट्रैक्ट हो गया, अब जो बच रहा है वो W1 है। तो पहले एक्सट्रैक्शन के बाद, मतलब आपने पहले थोड़ा सा एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड डाला और कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हो गया, तो पहले एक्सट्रैक्शन के बाद जो कंसंट्रेशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या होगा, W1 upon V टोटल वॉल्यूम, और W1 मतलब जो कि बचा हुआ है। फिर मास क्या होगा, मास हो जाएगा W-W1, ठीक है, मतलब टोटल W था उसमें से अनएक्सट्रैक्टेड है इतना, तो बचा हुआ पर मिल गया अपन को। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड इन द ऑर्गेनिक लेयर, तो क्या होगा, V से डिवाइड कर दो। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलैरिटी मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट K1, तो K1 आप कैसे लिखोगे, तो K1 को आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन एक्वस लेयर एंड द ऑर्गेनिक लेयर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आप एक जनरल एक्सप्रेशन पे आओगे जो है W1 upon KW V upon V plus KV, ये स्मॉल वी है, ठीक है, स्मॉल वी, ओके। तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन पे आते हो। फिर सेकेंड एक्सट्रैक्शन के बाद आपको जनरल फॉर्मूला मिलता है W2 equals to ये जो लिखा हुआ है, और एन एक्सट्रैक्शन मतलब आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो अगर एन एक्सट्रैक्शन है
तो इसकी पावर यहाँ पे टू थी क्योंकि सेकेंड एक्सट्रैक्शन था, यहाँ पे एन हो जाएगी पावर। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, सेकेंड एक्सट्रैक्शन का भी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पावर टू हो गई। एन एक्सट्रैक्शन है मतलब एन पावर, इतनी बार कर रहे हो उसको, टाइम्स को यहाँ लिख दो। ओके, सो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के एप्लीकेशन क्या है? ऑफन वी हैव टू रिकवर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन यूजिंग एक्सट्रैक्शन मेथड। तो वही एक एप्लीकेशन तो यही है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्वस सोल्यूशन से रिकवर करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिसल्वराइजेशन ऑफ आर्जेंटीफेरस लेड। तो हम क्या करते हैं, जो लेड होता है ठीक है, आर्जेंटीफेरस लेड में से हम डिसल्वराइजेशन करते हैं। डिसल्वराइजेशन का मतलब होता है हम सिल्वर का रिमूवल कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ सिल्वर। ओके, नाउ आर्जेंटीफेरस गैलिना इज एन ओर ऑफ लेड कंटेनिंग सिल्वर। तो आर्जेंटीफेरस में ये ओर तो है लेड का, लेकिन इसमें सिल्वर भी है, तो इस ओर में से हमें सिल्वर निकालना है, तो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यूज करके सिल्वर निकाल सकते हैं। सो आर्जेंटीफेरस गैलिना जो कि ओर है, उसमें कुछ कुछ क्वांटिटी में सिल्वर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको हम, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पारिक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम इसको निकाल सकते हैं, सिल्वर को लेड के ओर से, जो कि है आर्जेंटीफेर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मोल्टन जिंक को यूज करते हैं सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और हमें पता है कि आर्जेंटीफेरस लेड, अगर इसको हम पिघला दें मोल्टन, तो क्या होता है, ये इमिसिबल होता है किससे, लेड से। ठीक है, लेड से इमिसिबल होता है। हमने क्या बोला, आर्जेंटीफेरस लेड क्या है, ओर है लेड का। अब हम बाहर से जिंक डाल रहे हैं, तो जो जिंक है क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है। सो मोल्टन जिंक यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग सिल्वर फ्रॉम मोल्टन आर्जेंटीफेरस लेड, है ना, एज इट इज इमिसिबल विद द मोल्टन लेड। सो द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट होगा मोल्टन जिंक के बीच में और लेड के बीच में, वो 300 है। ओके, क्या है वो, 300 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मोल्टन जिंक जो था, इट इज इमिसिबल, हेंस इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग, है ना। अब ये लेड के साथ इमिसिबल है, लेड के साथ इमिसिबल है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों, अब क्या होगा कि देयर फोर जब आप मोल्टन जिंक को ऐड करोगे लेड के ओर में, आर्जेंटीफेरस लेड में, तो क्या होगा कि जो भी सिल्वर होगा ना, वो क्या होगा, पास हो जाएगा मोल्टन जिंक लेयर से। और जब आप ठंडा करोगे तो जिंक और सिल्वर का एलॉय आपको मिल जाएगा, किसके पहले, लेड के सॉलिडिफाई होने के पहले। ठीक है, सो द सॉलिड लेयर कैन बी रिमूव्ड इजीली। अब जिंक क्या है, वॉलेटाइल है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा डिस्टिलेशन अगर आप करोगे, क्योंकि एक चीज वॉलेटाइल है तो डिस्टिलेशन के थ्रू, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन के थ्रू ये आप सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। तो हमने क्या देखा कि हमने लिया था ओर, जो कि था लेड का ओर, बट उसमें सिल्वर भी था, तो हमें सिल्वर उससे निकालना था, तो हमने मोल्टन जिंक का यूज किया। और मोल्टन जिंक का यूज इसलिए किया क्योंकि वो इमिसिबल था लेड के। अब अगर सिल्वर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि जिंक लेयर में भी और लेड की लेयर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। अब जब पूरा सिल्वर पास हो जाएगा जिंक लेयर से, क्योंकि जिंक लेड के साथ मिक्स नहीं होता है, ठंडा करने पे जिंक और लेड का सिल्वर का एलॉय आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं सॉल्यूशंस दोनों पार्ट। ये काफी लंबा चैप्टर था, ऐसे फेज इक्विलिब्रियम भी काफी लंबा है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसके बाद हम सिर्फ सॉल्यूशंस वन सॉल्यूशंस टू के क्वेश्चंस करेंगे, एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।